हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं अभी, तो यही देखने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक यही रहने वाला है, इस वक्त की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए है ये रीडिंग, लड़का लड़की सभी के लिए। ओके व्यूअर्स, तो हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और बॉटम में जो कार्ड आया है हमारे पास वो आया है लेटिंग गो, इसे हमने ले लिया है। और बाकी सारे जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं थंडर बोल्ट, कंट्रोल, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंट टू मोमेंट एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ना कि उनका ब्रेकअप हो चुका है उनके पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है जिसने भी ना अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया है। आप दोनों सेपरेट हो सकते हैं, आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है ना, वो आपके और आपके पार्टनर के बीच ट्रस्ट ना होने की वजह से है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारा क्या है, थंडर बोल्ट। ऐसा लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों सेपरेट हैं और आप दोनों की अभी बात भी नहीं होती है। आप दोनों में काफ़ी फाइट्स हुई हैं और जिसकी वजह से ना ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यादों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपकी जो बातें चल रही हैं, आपकी जो यादें चल रही हैं, इस पर्सन की दिल और दिमाग से निकल नहीं रही हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये अपने दिल से, दिमाग से अपनी आपकी यादों को, आपकी बातों को भुला दें, बट ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। तो ये जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर, उतने ही ये बेकाबू होते रहते हैं। इनका दिल और दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है। ओके, और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं है या फिर आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। और ये पर्सन ना अभी इस वक्त आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव ही हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ना ये अपने पास्ट को लेट गो करके इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये आप पर ट्रस्ट कर पाएँ और आप इन पर ट्रस्ट कर पाएँ। तो इनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है कि हमारे जो नेक्स्ट कार्ड हैं वो ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ही हैं। जब इस पर्सन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो ये पर्सन ना आप पे ट्रस्ट भी कर पाएंगे और ये इस वक्त ना मोमेंट टू मोमेंट चलने का सोच रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड मोमेंट टू मोमेंट ये है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त आपको भी स्पेस दें, खुद को भी स्पेस दें, आपके और इनके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दें सोचने का, समझने का। उसके बाद ये सोचेंगे कि अब इनको क्या करना है लाइफ में। ओके व्यूअर्स, तो ये मोमेंट टू मोमेंट चलने का सोच रहे हैं और इस वक्त ये गोइंग विद द फ्लो बहने का सोच रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ये ऐसी कर रहे हैं बिना सोचे समझे ही, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारा जो आया है वो आया है गोइंग विद द फ्लो। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो भी इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं ना, वो इस वक्त ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहते हैं कि पास्ट में आपके साथ इनका क्या रिलेशन रहा या क्या आपके साथ इन्होंने किया, आपने इनको क्या कहा। तो ये पर्सन ना इस वक्त सिर्फ पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने जीवन में और शांत माइंड के साथ ही कोई ना कोई फैसला लेना चाहते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट की कड़वी यादों को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि आप दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जी जो है यहाँ पर लेटिंग गो आई है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड हमारे पास आया था वो लेटिंग गो आया है। तो आप दोनों ही सोच रहे हैं कि पास्ट को भुलाकर या तो जीवन की एक नई शुरुआत करें किसी और अदर पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के दिल में भी ये बातें चल रही हैं, बट ये जो पर्सन है ना आपके, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे और आप दोनों मिलकर ही इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे, वही फाइनल और आखिरी डिसीज़न होगा आप दोनों के लिए। और ये फाइनल डिसीज़न आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप के लिए जो भी फैसला लेंगे वही अहम होगा, वही आखिरी फैसला होगा आप दोनों के लिए। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त जो आपके पार्टनर है ना वो यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बातें सोच रहे हैं और ख़ुद को काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि आपसे बात करके ही इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे। या तो आप दोनों साथ आ सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर हो सकता है आप दोनों सेपरेट रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी न्यू पार्टनर के साथ लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लें। तो ये आपका अपना डिसीज़न होगा, आप दोनों मिलकर जो डिसीज़न लेंगे वही आपका फाइनल डिसीज़न होगा। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।